दोस्तों अपकमिंग स्मार्टफोन्स के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको हर महीने बताता हूँ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, अगस्त में हमें काफ़ी सारे न्यू स्मार्टफोन्स इंडिया में देखने को मिले और अब जो सितंबर है वो भी पूरी तरह से पैक है। बहुत कुछ हमें नया मिलने वाला है सितंबर में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से न्यू स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। हमारा सबसे पहला स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से, वीवो वी 11 प्रो। इस फ़ोन में आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिलेगा स्नैपड्रैगन 660 के साथ। अब फ़ोन तो ये चलो अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी बात है प्राइसिंग की, किस प्राइस पे आएगा वीवो वी 11 प्रो। अगर इस फ़ोन का प्राइस ठीक आया इंडिया में तब तो ये चल जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते। 6 सितंबर को इस फ़ोन का लॉन्च है और इसके साथ साथ वीवो X21 का सक्सेसर वीवो X23 भी चाइना में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों वीवो X21 वो स्मार्टफोन है जिसने हमें फर्स्ट टाइम इंडिया में दिया था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब उस फोन की एक ही दिक्कत थी, उस फोन का प्राइस। अब जैसे कि वीवो X23 आने वाला है तो वीवो X21 का प्राइस पहले से वीवो ने कम कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को रेड से ग्रे नहीं किया तो अगर आप ग्रे कर दोगे तो ये बहुत ही मस्त दिखेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले फोन की तरफ जो कि है ओनर की तरफ से, ओनर 8X और 8X मैक्स। ये फोन 5 सितंबर को चाइना में लॉन्च होगा। अब जैसे कि आपको पता है ओनर इंडियन मार्केट को लेकर काफी सीरियस है, तो चाइना में आने के बाद जल्दी आपको ये फोन इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। ओनर 8X और 8X मैक्स पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की जिसका मुझे लगता है आप में से काफी लोगों ने वेट करना शुरू कर दिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 6 प्रो की। इस फोन के भी लीक्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने कुछ जगह पे सुना था कि नेक्स्ट मंथ आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा, बट मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्टूबर में इस फोन के चाइना में लॉन्च होने की उम्मीद है, उसके बाद भी इसको इंडिया में आने में काफी टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन जो Xiaomi का Mi 8 SE है वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि Realme 2 Pro आने वाला है 28 सितंबर को, उसको टक्कर देने के लिए MI लॉन्च कर सकता है Mi 8 SE। हाँ, इसका नाम जरूर चेंज हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फोन इंडिया में Mi 8 SE के ही नाम से आए। साथ में Realme 2 को कंपटीशन देने के लिए Redmi 6 भी इंडिया में आएगा। और दोस्तों अगर हम Lenovo की बात करते हैं तो वो भी इस बार कुछ ना कुछ कमाल करने वाला है। Lenovo ने खुद माना है कि हमने गलती की है इंडियन मार्केट में और हम उस गलती को सुधारेंगे। तो Lenovo Z5 इंडिया में ऐसे प्राइस पे आ सकता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और Lenovo के Motorola की तरफ से भी कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। पहले अगस्त में लॉन्च होना था Moto G6 Plus, बट अगस्त में वो नहीं आया, अब सितंबर में उसके आने की उम्मीद है। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि Motorola Moto G6 Plus को स्किप करके कुछ और इंटरेस्टिंग हमें करके दे इंडियन मार्केट में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी खरीदना पसंद करेगा Moto G6 Plus Snapdragon 630 के साथ। इसकी जगह पे Moto P30 या Moto One Power, इनमें से कोई फोन आ जाए तब कुछ बात बन सकती है। आपको क्या लगता है इसके बारे में ऊपर पोल में बताना मुझे। आज का हमारा लास्ट फोन है Nokia X5 यानी कि 5.1 Plus। हालांकि ये फोन अगस्त में लॉन्च हो गया था इंडिया में, लेकिन अब सितंबर में ये हमें मिलना शुरू होगा। और इसका प्राइस क्या होगा ये भी हमें नहीं बताया नोकिया ने, प्राइस के बारे में भी हमें अब सितंबर में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ स्मार्टफोन्स, अगर कोई स्मार्टफोन रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।